नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, इस फोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाएंगे आज। ठीक से बहुत ध्यान से देखेंगे बारीकी से, तो थोड़े से आपको लूप होल्स नज़र आएंगे। जैसे लूप होल्स ये है, पैच टूल की मदद लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा टायर टायर दिख रहा है, इसको एडजस्ट कर दें। ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करते हैं इसको। और यहाँ से इसको भी एडजस्ट करते हैं, और यहाँ से भी इसको एडजस्ट करते हैं। ये कर दिया हमने, और अब इसको कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। कॉपी कर लिया हूँ इसको, देखेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पहले रब में डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसको फिट इमेज कर देता हूँ। अब जो है इसको क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ से साइज ले लेते हैं 1.2, और यहाँ से लेते हैं 1.4। यहाँ से इसको क्रॉप कर लेते हैं इतना, जितनी हो सकता है इतना। ठीक है, ओके क्लिक कर देते हैं। आप इसको क्रॉप कर लिए, सब कर लिए, थोड़ा सा इसमें लाइट वाइट अगर आपको लग रहा है तो यहाँ से कर्व का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से कर्व ओके कर देंगे। ठीक है, पहले और अब में डिफरेंस अगर आप देखना चाहें तो ये रहा। ठीक है, अब जो है इसमें थोड़ा सा और करेंगे कुछ काम। सिलेक्टिव कलर और इधर पे आके ये हो गया। ठीक है, वापस इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, और इसमें थोड़ा सा जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है वहाँ वहाँ लगा देते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा डार्क है, पासपोर्ट फोटो बनाने के लिए रेडी है फोटो। अब स्ट्रोक लगा देते हैं कि इसमें बॉर्डर, कंट्रोल ए, और यहाँ से इसको अल्ट्रा शिफ्ट के साथ छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक स्ट्रोक लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक लगाएंगे यहाँ से, ये कलर ले लेते हैं, और यहाँ पर 3 नंबर का चला लेते हैं हम इनसाइड 87%। ठीक है, चल गया। वापस सिलेक्ट ऑल में क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसको 4 नंबर में 100% में चला देते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब हमको एक नया पेज चाहिए भैया, तो नया पेज हम यहीं से बना ले रहे हैं। ठीक है, फोर सिक्स चाहिए मुझे। ठीक है, ये 4:6 का एक पेज है। फाइल में जाके न्यू में ले सकते हैं, पर ये टूल सही से काम नहीं कर रहा है इसमें, मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेट करना है, यहाँ से इसको उठा के लेके आए, मूव करा के 1 शिफ्ट कंट्रोल अल्ट 2 और एक 3। अब यहाँ से इधर इधर अलाइन हो गया। वापस कंट्रोल से ई दबाएंगे, तीनों लॉक हो गए लेयर, इसको बीच में कर देते हैं। ठीक है, ये हो चुका है, और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे बस, 1 2 3। अब
इसको अलाइन करने की कोशिश अगर मैं करूँगा सब गड़बड़ हो जाएगा। एक और यहाँ से दो, एक दो तीन, इसको अलाइन कर दो सबसे पहले और यहाँ से सेट कर दो। अब अगर लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया कहीं ना कहीं तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको भी एडजस्ट करते हैं और पूरे को मिला के अलाइन, ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से इसको लिंक लेयर और यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करा देंगे, फोटो बन के रेडी टू यूज़ है। अब अगर आप चाहें तो पासपोर्ट फोटो इसको प्रिंट आउट करके इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग बनाइए और देखिए कि आपने कैसा फ़ोटो बनाया है और डिज़ाइन कितने अच्छे से किया है। मैं यहाँ पर जो जो चीज़ हो सकती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर क्लियर बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय भीम।